टाटा कर्व क्रिएटिव प्लस एस वाइट कलर की बुकिंग मैंने डाल दी है। अब यार मैंने अभी जो रिसेंट वीडियो करी थी उसमें बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल थे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कर्व पे, और कुछ कुछ लोगों को ना कुछ कुछ चीज़ें कर्व में नहीं पसंद आ रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रही, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कर्व खरीदने वाले थे तो ये वीडियो आपको बड़े काम की होने वाली, इवन अगर आप क्रेटा सेल्टॉस भी बाय करने वाले हो ना तब भी ये वीडियो देख के जाओ, क्या पता आपके काम की हो। देखो, कर्व जो है एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी को फॉलो कर रही है जो कि है कूपे डिज़ाइन, और फोटोज़ में या वीडियोज़ में आपको उतनी बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन जब इसको रियल वर्ल्ड में देखोगे ना तब इसका एक्चुअल लुक आपको समझ आता है। जिनको नहीं समझ आ रहा है आप नियरेस्ट टाटा शोरूम पे जाओ और कर्व को देख के आओ एक बार, भूल जाओगे कि आप ये वीडियो में कैसे देख रहे हो। रियल वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी, बहुत ही बल्कि बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। अब देखो, चार पाँच जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि कमेंट बॉक्स में मैंने देखे, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज़ और पहली सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो पब्लिक उठा रही है कि भैया गाड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट यार इसकी जो क्लैडिंग है ना वो पियानो फिनिश में क्यों दी गई। देखो, मुझे भी यही लग रहा है कि भाई इसकी जो क्लैडिंग है पियानो फिनिश में देने का कोई मतलब नहीं बना, कोई सेंस नहीं बना। हाँ, लुक्स को ज़रूर ये इम्प्रूव करता है, बट इंडियन वेदर, इंडियन रोड कंडीशन में ये उतना मतलब सस्टेनेबल है नहीं, उतना अच्छा है नहीं। लॉन्ग टर्म में स्क्रैचेस आने वाले हैं इसमें डेफिनेटली, और पियानो फिनिश में स्क्रैचेस अगर आ जाते हैं ना भाई बहुत ही ख़राब लगते हैं, तो ये एक कमी है। और भाई चारों तरफ मतलब मुझे लगता है कि इस क्लैडिंग की जगह पर नॉर्मल क्लैडिंग जो सभी कार्स में देखने को मिलती है वो ज़्यादा सही रहती है। अब इसमें लुक्स में अच्छे लगते नहीं लगते वो तो जब आती था हमें पता चलता, बट यार ये पियानो फिनिश की क्लैडिंग थोड़ा ना थोड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट करती है कि लॉन्ग टर्म में कहीं इसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे। चलो आएंगे तो आएंगे, बहुत ज़्यादा दिखेंगे तो नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि यार टाटा ने इसमें ज़्यादा टेस्टिंग करी है, क्योंकि वही कैमोफ्लेज मॉडल पे ये टेस्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे इनको उतना पता नहीं लगा होगा कि भैया कितने क्या स्क्रैचेस आते हैं, बट पियानो फिनिश देखने में जरूर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा नेगेटिव कमेंट जो कि कर रहे हैं कर्व के बारे में वो है भाई इसके व्हील के डिज़ाइन को लेकर के। पर्सनली मुझे भी देखो, जो इसका ईवी वेरिएंट है ना उसके व्हील के डिज़ाइन काफ़ी हद तक ठीक लगते हैं और मतलब लुक्स में अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके जो आइस वाले मॉडल्स के व्हील है ना, मतलब पेट्रोल और डीजल के, वो फोटो में भाई बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई फूल की डिज़ाइन बना दी है, और लुक्स में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं वीडियोज़ में या फोटोज़ में। लेकिन आपको बताऊँ, इसको भी आप रियल वर्ल्ड में जाके देखना, रियल वर्ल्ड में ये अच्छे लगते हैं, इतने बुरे दिखते नहीं है। मैं भी ये सोच रहा था यार कि ये क्या दे दिया यार, मतलब कैसे व्हील्स हैं, बिल्कुल ही गंदे दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको रियल वर्ल्ड में देखोगे तो अच्छे लगेंगे। अब अच्छा लगने का रीज़न ये है कि देखो इसमें क्या है, व्हील तो है ही एलॉय, साथ ही साथ में इसको ना कुछ फाइबर पार्ट या एरो विंड्स करके कुछ तो बोला जा रहा है, वो भी ऐड है देखो आप ध्यान से, तो जिसकी वजह से ना मतलब एक खाली खाली गैप नहीं लगता, और गैप ना लगने की वजह से ओवरऑल जो एलॉय व्हील का लुक है वो जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। एलॉय व्हील की डिज़ाइन लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बट एक बार आप रियल वर्ल्ड में देख के आओ उतना बुरा नहीं लगता है। तीसरी कमी जो कि तीसरी कंप्लेन कर रहे हैं लोग, प्रैक्टिकलिटी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होगी हेड रूम में कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेग रूम इवन उतना अच्छा नहीं है राइवल से कंपेयर करो तो, इवन सनरूफ भी उतना बड़ा नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ बोला जा रहा है भाई बहुत बड़ा, लेकिन एक्चुअल में उतना बड़ा है नहीं। जैसे राइवल क्रेटा सेल्टॉस से देखो तो उसमें बहुत बड़ा मिलता है, मतलब पूरा पीछे तक जाता है, इसमें ऐसा है नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप इसको राइवल से कंपेयर करोगे ना तो हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज लगेगा। इवन जैसे आप क्रेटा में जाके एक बार बैठ के देखो, और इसमें जब आप बैठोगे तो आपको लगे कि भैया हाँ इसमें स्पेस कम है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि नेक्सॉन में जितना स्पेस है ना बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। उसके दो रीज़न है, पहला रीज़न तो यह है कि देखो इसका व्हील बेस 2560 mm का है जबकि क्रेटा सेल्टॉस में 2600 mm का मिलता था। व्हील बेस जब कम होता है तो थोड़ा सा लेग रूम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसी के साथ लेग रूम के साथ हेड रूम कॉम्प्रोमाइज होने का रीज़न यह है क्योंकि ये पीछे स्लोपिंग रूफ है कूपे डिज़ाइन की वजह से, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये स्पेस के टर्म्स में लोगों को कमी लग सकती है इसमें। हाँ, इम्प्रैक्टिकल तो नहीं है, जैसे प्रैक्टिकलिटी प्रॉपर दी गई है, उतना भी कम स्पेस नहीं है कि आपको दिक्कत हो, बट हाँ अगेन मैं बोलूँगा एक बार आप जाके चेक कर लो, अगर 6 feet से ऊपर वाला बंदा है पीछे बैठेगा तो थोड़ा उसको हेड रूम में कॉम्प्रोमाइज लगेगा, और सनरूफ भी उतना बड़ा नहीं है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन इस डिज़ाइन की वजह से टाटा ये कर पा रहा है कि बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे बड़ा दे पा रहा है, तो अगर जिनकी नीड, जिसका जो डिमांड रहता है कि भैया एक बहुत अच्छा बूट स्पेस हो, तो वो यहाँ पे टाटा कर्व को देख सकते हैं। 500 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और इतना स्पेस आपके बहुत काम का होने वाला है, तो बूट स्पेस वालों के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इसमें देखने को मिलता है।
लेकिन हाँ, प्रैक्टिकलिटी वाला जो आपका नेगेटिव कमेंट था, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ कुछ लोगों के डेफिनेटली ये इफेक्ट डालने वाला है। जैसे फैमिलीज जाएंगी गाड़ी देखने, अब वो क्रेटा को देखेंगी, पूरा अच्छे से चेकआउट करेंगे, उसमें बैठ के देखेंगे, जब कर्व में बैठेंगी तो उनको हाँ स्पेस कम लगेगा, शायद यहाँ पे वो अपना बाइंग डिसीजन को चेंज करें, वो क्रेटा की तरफ शिफ्ट हो। एक और लास्ट में जो नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे कि ये ना जो डिज़ाइन है इसकी काफ़ी नीच ओरिएंटेड है, मतलब सभी को पसंद नहीं आएगी। ये बात मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इससे। देखो, हो ये रहा है कि ये जो कर्व डिज़ाइन है, मतलब कूपे डिज़ाइन है, ये आप देखो इस सेगमेंट में है नहीं, मतलब जो ये पूरा मास मार्केट में देखने को नहीं मिलता। इसका डेफिनेटली यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, जिसको गाड़ी लेनी होती है तो जो एक क्रेटा, सेल्टॉस या जो इस टाइप की पूरी बॉक्सी स्टाइल वाली एसयूवी है, ये देखो सबको पसंद आएगी। लेकिन कर्व के साथ थोड़ा, कर्व ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, तो मे भी थोड़ा सा जो बड़े या ओल्ड वाले पर्सनस हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में, डिज़ाइन को डाइजेस्ट करने में उनको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार ये ज़्यादा ही स्पोर्टी है, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है नहीं, है ना, क्योंकि स्पेस कम है और डिज़ाइन ऐसी। इवन इसका जो इंटीरियर है वो भी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, डार्क होने की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि और कम स्पेस है, जबकि क्रेटा का इंटीरियर काफ़ी लाइट है। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नीच मार्केट की तरफ रहेगी, थोड़ा सा स्पोर्टी बायर्स या यंग बायर्स को ज़्यादा टारगेट कर रही है मेरे हिसाब से, कंपेयर टू क्रेटा एंड सेल्टॉस। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। आप बताओ इसमें से कौन सी कमी आपको टाटा कर्व के बारे में मतलब ज़्यादा आपको इफेक्ट करने वाली है।